दोस्तों आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स में यहाँ पर अच्छी खबर आप देख पा रहे होंगे, जल्द हो सकती है यूपी में 1 लाख भर्ती और यहाँ पर जल्द कार्यक्रम जारी होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो 1 लाख पोस्ट की बात की जा रही है, किन विभागों में कितने पदों पर बात की जा रही है, कौन कौन से पद हैं जो सृजित किए जाने हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लास्ट तक आप बने रहिएगा। आप सभी का महेश अकेडमी या फिर यूं कहें इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये तो चलिए ठीक है, पूरी डिटेल की अगर हम बात करें तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा इस समय युवाओं को रोज़गार देने जुड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सरकारी गैर सरकारी दोनों संस्थाएं हैं। पहली चीज़, टीजीटी पीजीटी का 4000 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। दूसरा, प्राथमिक विद्यालय में 51000 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द ही देखने को मिलने वाला है, ये अपडेट दी गई है। और ये इस आधार पर कहा गया है कि अभी आपके जब हम अनुदेशकों की बात करते हैं और शिक्षा मित्रों की, इनको हटा करके जो सीटों का डिटेल है उसके बाद ही ये चीज़ बताई जा रही है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की बात करें तो 40000 पदों पर भर्ती जो है वो देखने को मिलेगी। अभी 9000 पदों की भर्ती आपकी कंप्लीट हुई है, आपने देखा होगा फाइनल रिजल्ट दे दिया गया है। तो यहाँ पर ये हैं टोटल पद जो बताए गए हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी जी के द्वारा बताया गया कि पुलिस विभाग में लगभग 40000 पद खाली हैं और प्रक्रिया इसमें चल रही है, उसके बारे में भी जो है डिटेल यहाँ पर दी गई है कि इसमें कितने पद खाली हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो तैयारी अपनी पूरी जारी रखिए, चाहे आप पुलिस विभाग की तैयारी कर रहे हों या फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की या फिर टीजीटी पीजीटी की। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में बहुत जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।